नमस्कार, मैं हूँ आपकी सखी। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम लोग का यहाँ का ब्लॉग आज हम लोग वैष्णो देवी मंदिर आई हूँ और वैष्णो देवी मंदिर के आज से शुरुआत करते हैं। और मंदिर जा करके मेरे साथ मेरी फ्रेंड लोग भी आई हुई हैं और सीढ़िया से होते हुए हम लोग ऊपर चलेंगे, फिर माता का दर्शन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। और इनसे ये भैया है, इनसे हम लोग सब सामान लिए। जय माता दी। और यहाँ आपको बहुत सारा एक लाइन से दुकान यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए सामने में बहुत सारा दुकान यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम लोग अपना यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। और चलिए ये देखिए सीढ़ियों से होते हुए हम लोग को ऊपर चलना है, तो चलिए चलते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीढ़ियों से, जैसे जैसे ही हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे, चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ ही इतना सुंदर, इतना शांत वातावरण आपको मिलेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। और देखिए ये भक्त भक्त किस तरह से अपने इतने उत्सुक होकर के सभी भक्त आगे बढ़ते हुए निकल रहे हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और बीच बीच में अगर धूप के दिन में भी अगर कोई आते हैं यहाँ पर ना, तो ऐसा हो जाता है ना, पेड़ की छाँव से बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगने वाली है। तो ये देखिए जा रहा। चलो हाय हाय करो। हेलो करो, हाय करो। आप लोग कहाँ से हो? यही रेलवे कॉलोनी मधुसूदन पल्ली। अच्छा, तो आप लोग आज यहाँ दर्शन करने आए हो? हाँ, यहाँ पे आते हो अक्सर ना? आज आए हो? अक्सर आते रहते हैं। रहते हो? जैसे कि आज पूर्णिमा है ना? अच्छा, ओके। तो चलो चलते एक साथ और बोलो जय माता दी। फिर से बोलो जय माता। पलट दो ना छोटा सा बच्चा को। फोटो बच्चा का फोटो। ये भी देखो इतने छोटू सा आया है ये माता के दर्शन करने के लिए। चलो। ओए शोर है, लेकिन शोर है। जय माता दी। क्या व्यू देखिए, टावला दिख रहा है यहाँ से, लेकिन लेकिन फॉग है ना पूरा, इसीलिए। और ये देखिए पहाड़ के ऊपर से ये राउरकेला का व्यू। लेकिन आज मौसम बहुत औसम है क्योंकि धूप हो गया है। और पहाड़ों पे इतना बड़ा सा चट्टान, और बच्चे देखिए उस पे किस तरह से चढ़ करके मस्ती कर रहे, कितना ही सुंदर लग रहा है। नहीं रानी चली गई बात में। और जस्ट हम लोग यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। अब लास्ट में हम लोग फाइनली ये सीढ़ियों तक पहुँच गए हैं और हम लोग माता के मंदिर तक अब जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। बस ये देखिए मंदिर माता का लगभग समझिए हम लोग पहुँच ही गए हैं, और कम सीढ़ियों का फासला है, और फिर हम लोग माता का दर्शन कर लेंगे। और फाइनली हम लोग देखिए ये लास्ट इतनी सीढ़ी है, और हम लोग यहाँ पर मंदिर के नीचे पूजा का भी सामग्री मिलता था, और यहाँ भी पहुँचिए ना ऊपर में, तो यहाँ भी ये दो ठो दुकान है, एक तो बंद है और दूसरा पे भीड़ लगा हुआ है। तो ऊपर में भी आइएगा तो एक यहाँ पे भी दुकान आपको मिल जाएगा पूजा का सामान लेने के लिए, और पूजा का यहाँ हर तरह का सामान मिलता है। ये देखिए पूजा सामग्री यहाँ बहुत सारा मिलता है, और देखिए यहाँ भीड़ लगा हुआ है पूजा का। और ये देखिए लास्ट हम लोग का सीढ़ी पूरा खत्म हो गया और फाइनली हम लोग माता जी के दरबार पे पहुंच गए हैं। तो चलते हैं अंदर माता जी का हम लोग दर्शन करने के लिए। और यहाँ भक्त आकर के देखिए सबको यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये कुछ सीढ़ियाँ अभी बाकी रह गया यहाँ पे, और एक कुछ सीढ़ियों का फासला हम लोग तय करके, और हम लोग यहाँ पे, और ये थक गए हैं यहाँ बैठ गए। और फाइनली देखिए ये माता का मेन एंट्री गेट है, और हम लोग पहुंच गए हैं माता के दरबार पे। ये देखिए मंदिर ऊपर से, और ये पहाड़ों को किस तरह से काट के यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखा हम लोग प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश द्वार है माता का, मेन प्रवेश द्वार यही है। और ये देखिए यहाँ भैरव बाबा, दो छोटे छोटे भैरव बाबा भी यहाँ पे हमारा वेलकम कर रहे हैं। और एक गुफा के अंदर हम लोग इस तरह से चलेंगे, इसके अंदर गुफा बना हुआ है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से गुफा पूरा पहाड़ को काट करके, ये देखिए अंदर से बना हुआ है। यहाँ मेन प्रवेश द्वार यहाँ है, इस तरह से झुक के सबको आते हैं। और ये देखिए किस तरह से पहाड़ों को काट करके और इतने खूबसूरती के साथ ये बनाया गया है गुफा। और ये इस तरह से गुफा के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे, और सारे भक्त ये देखिए आज पूर्णिमा का दिन है ना, तो पूर्णिमा में सभी माता का दर्शन करने आ रहे हैं। इस तरह से झुक,
और इस तरह से इसके अंदर हम लोग जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे एंट्री गेट यहाँ पे आ गया माता का। और ये देखिए अंदर हम लोग आएंगे तो इस तरह से यहाँ पे दान पात्र रखा हुआ है। और पहाड़ों को काट के देखिए किस तरह से मंदिर का बनाया गया है, बिल्कुल पहाड़ को कटिंग करके और बड़ी ही खूबसूरती के साथ में ये देखिए मंदिर को बनाया गया है। ये देखिए, और इसके अंदर थोड़ा सा प्रकाश आने के लिए, अंधेरा ज़्यादा ना हो इसके लिए इसे काट करके इस तरह से बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं माता के पे। हम लोग सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी, तो यहाँ पे गणेश जी का प्रतिमा एक रखा हुआ है देखिए। और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ माता का दर्शन हो जाएगा। गांधी जी, यहाँ पंडित जी हैं और यहाँ पे हमारे माता जी का पूजा हो रहा है। और ये देखिए माता का दर्शन आप लोग सब कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल माँ वैष्णो देवी की तरह बना हुआ है यहाँ पे। बाबू पकड़, बाबू ए रोशन रोशन छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। अरे निशा, ए आवाज मत करो। अरे यहाँ तो लाल नहीं फूटेगा, लोग चलने के बाद मुंडिया मान ले, तू पकड़िए तो देख 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 पीछे करके पीछे होके नीचे करके वैसे नहीं। हाँ मैं समझ गई समझ गई, बस थोड़ा सा ऐसे ये कर रहे हैं। यहाँ पे माता का यहाँ पे अच्छे से हम लोग का दर्शन सोनी। और यहाँ से इस तरह से यहाँ बाहर निकलने का ये रास्ता है, पूजा हो चुका था, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अरे यहाँ पर तो है, जला लीजिए। नहीं, क्या बोल रहे हैं, अगरबत्ती वहीं रख लेते हैं। और गुफा के अंदर में माता वैष्णो देवी का प्रतिमा रखा हुआ है। और ये बड़ा सा हॉल बना हुआ और इस हॉल के बीचों बीच माता रानी का ये देखिए प्रतिमा कितना ही खूबसूरत, और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में यहाँ बनाया गया है। यहाँ नौ देवी के नौ रूप का यहाँ पे वर्णन करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ में। ये देखिए आप सब दर्शन कर लीजिए। और यहाँ का देखिए ये इनका छवि और इनका झलक और कितना ही खूबसूरत बनाया गया है। और पता है आपको इस मंदिर में ना इनका दीवार पे पत्थरों को काट कर और मिरर बैठा करके छोटे छोटे कांच के जो टुकड़े होते हैं ना, कांच के टुकड़ों से इतने ही खूबसूरती के साथ में काम किया गया है। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, एक कांच के टुकड़ों को इसके अंदर में लगा करके, और ये देखिए कितना सुंदर से ही काम किया गया है। और ये देखिए माता रानी का इस बीच में इतना सुंदर लगता है ये देख करके। और आइए मैं दिखा देती हूँ आपको ये कितना बड़ा सा ही हॉल बना हुआ है। और ये बहुत ही बड़ा हॉल है जो कि नवरात्रि में बहुत सारे भक्त यहाँ बहुत भीड़ होता है और सारे के सारे इसी हॉल में आ जाते हैं। और ये देखिए हॉल के चारों स्तंभ में देखिए कितने खूबसूरती के साथ में ये देखिए मतलब हाथी का, शेर का और मोर का कितना खूबसूरती के साथ में ये बनाया गया है। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक कोने को आपके पास में आप तक पहुँचा पाऊँ। और इस मंदिर का खूबसूरती और इस मंदिर का मतलब ये इस यहाँ पे इस मंदिर का बहुत मान्यता है, ये सच में मन्नतों वाली मंदिर है। और मंदिर तो वैसे हर मंदिर का बहुत मान्यता होता है लेकिन यहाँ वैष्णो देवी मंदिर पे सबका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आस्था है। और ये देखिए मंदिर के जैसे ही वहाँ से उसके बालकनी से देखेंगे वहाँ तो पूरा ही राउरकेला आपको दिखता है। जैसे कि आपको पता है कि ओडिशा स्टील सिटी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है राउरकेला, तो ये देखिए पूरा ही वो प्लांट वाला एरिया है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, पिक्चर तो इतना क्लियर नहीं आएगा क्योंकि फॉग भी है और थोड़ा सा देखिए जूम करने से ऐसा दिखता है। तो ये देखिए कितना ही खूबसूरत ये राउरकेला का नज़ारा दिख रहा है। और ये देखिए सामने में ही यहाँ पे स्टेशन दिख रहा है और उसके उसके पीछे में वो जो दिख रहा है वो प्लांट का पूरा एरिया है। और ये देखिए नीम का वृक्ष कितना सुंदर, ये नीम का पेड़ है। और यहाँ पे अपने अपने मन्नतों का धागा बांधा हुआ है।
और ये भैरव बाबा का यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हैं और यहाँ पे जा कर के ऊपर में भैरव बाबा का यहाँ हम लोग चलेंगे अभी। ये देखिए यहाँ से भैरव बाबा का ऊपर में दिख रहा है मंदिर और यहाँ से भैरव बाबा का। आज मौसम देखिए कितना सुंदर मौसम, इतने बहुत अच्छा हो रखा है। और ये बाबा का भैरव बाबा के मंदिर हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं। यहाँ ये रहा माता का मंदिर और सीढ़ियों से हम लोग ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आए और ये रहा भैरव बाबा जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं भैरव बाबा जी का दर्शन कर। और ये देखिए भैरव बाबा के द्वार पे ये भी दर्शन करने आए हुए हैं। और यहाँ पे भैरव बाबा का द्वार यहाँ पे बंद है, बाहर से ही साथ होता है। और ये देखिए भैरव बाबा का यहाँ पे ये बना हुआ है भैरव बाबा। और ये देखिए भैरव बाबा के वहाँ पे, और ये रहे हमारे भैरव बाबा। जूम करके दिखाते, ये देखिए अगरबत्ती। और इसे देखिए पहाड़ों से किस तरह से पहाड़ों को काट करके, देखिए इसके ऊपर भी तो गुफा बना हुआ है। जल गया आपको दिया, जल गया कहा, धुआं कुछ दिख रहा है। यहाँ से दर्शन करते हुए सब जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से। और ये हम लोग अभी मेरे चलते हैं। और ये देखिए ये नीम का वृक्ष जो नीचे से दिखाई थे, यहाँ पे मन्नतों का धागा सब बांधते हैं। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे बांध लेते हैं, माता से कुछ मांग लेते हैं। तो आज हमारी पूजा अब यहाँ पे समाप्त हो गई है और चलते हैं हम लोग नीचे की ओर। और माता का दर्शन ये देखिए कितना शांत वातावरण के साथ, कितना ही शांति और सुकून के साथ। आज की यात्रा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ में। आई होप आप सबको पसंद आई हो मेरी ये वीडियो। और अगर एक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप सबको। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।